प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमरनाथ यात्रा कश्मीरी समाज की एकता का प्रतीक है और इसमें किसी तरह की बाधा पहुंचाना पूरे समाज के लिए घातक है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। हालात के बारे जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। सर, इस वक्त क्या हालात हैं घाटी में, आप थोड़ा तफसील से बता सकते हैं? नहीं, निश्चय जिस प्रकार की हमें सूचना प्राप्त हो रही है, पिछले दो दिन की तुलना में हालात बेहतर हैं। और एक संतोषजनक बात यह है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज में पूरी तरह समन्वय बना हुआ है। हमें विश्वास है कि हालात और परिस्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएंगे। सर, क्या मदद मिली है केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट को, और क्या बातचीत भी हुई है केंद्र सरकार की? क्योंकि कल ये पता चला कि राजनाथ जी ने बातचीत की थी महबूबा मुफ्ती से। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कह दूंगा कि गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं और उनसे सब लोगों की चर्चा भी हो रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी चर्चा की, कल भी की, आज भी की, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया कि केंद्र की ओर से हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग उपलब्ध रहेगा और उपलब्ध करवाया भी जा रहा है। सर, रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि कुछ स्टोन पेल्टिंग की खबरें आ रही थी, कुछ माइनॉरिटी जो कश्मीरी पंडित हैं उनके कैंप्स की तरफ, उस पर क्या अपडेट है? नहीं, वो आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा, क्योंकि विश्व भर में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी पंडित समुदाय के रिश्तेदार और परिवारजन बसते हैं, उन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त की है। दर्जनों की संख्या में उनके ट्वीट आ रहे हैं दूर दूर से, लंदन, दुबई इत्यादि से, लेकिन हमने उसको भी लेकर के निरंतर संपर्क बनाया हुआ है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, वहाँ के प्रशासन के साथ। पहले दिन जब ये घटनाक्रम आरंभ हुआ तो कुछ स्टोन पेल्टिंग और पथराव हुआ वहाँ कैंप पर, परंतु उस पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। कुछ अतिरिक्त सेना दल भी वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। सर, अमरनाथ यात्रा पर क्या अपडेट है? क्या वो दो घंटे के लिए मेरे ख्याल से सस्पेंड हुई थी पर फिर से शुरू हो गई थी, तो उस पर आप अपडेट दे सकते हैं कि अभी जत्था चल चुका है? अभी जब पिछली सूचना आई उसके अनुसार वहाँ जो लोग हैं वो यात्रा की ओर चल रहे हैं। जम्मू और दूसरे स्थानों से आने वाले लोगों की कुछ रेगुलेशन की जा रही है परिस्थिति के अनुकूल, और मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के आखिरी निर्णय हमें सिक्योरिटी एजेंसीज पर ही छोड़ देना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। इस तो पिछले 20-25 वर्ष के आतंकवाद के अनुभव से हम ये अवश्य कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में प्रमाण पहले से उपलब्ध हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, सीधा सीधा कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्दी और सामान्य हो जाएंगे।